हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, मैं आज दो नया रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो यहाँ पे देख सकते हो। एक एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो बहुत बड़ा है, वो पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिट। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड जो आ रहा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट। दोस्तों, यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब होता है उससे अच्छा ये पीएसयू में सैलरी होता है। इसका बोनस तो एक एक गाड़ी के बराबर, एक एक गाड़ी आप खरीद सकते हो इसका बोनस में। तो दोस्तों, जरूर इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा कि कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए और कैसे आप अप्लाई करना है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मेरा जो लाटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन हो जाए। इनफैक्ट दोस्तों, मैं भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अभी अभी मैं कॉम्पिटेटिव लाइन से मुझे नौकरी मिला है। तो रिक्वेस्ट करूँगा आप जरूर मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपकी जो रेलवे का जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके बारे में मैं पल पल की अपडेट देता रहता हूँ, आपको कैसे रेलवे का क्रैक करना है, साथ ही साथ ये नया नया वैकेंसी जो टेक्निकल रिलेटेड, तो आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक वैकेंसी निकला है वो लोकेशन यहाँ पे कर्नाटक बेंगलोर रखा गया है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास डिप्लोमा है और आईटीआई है तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक अप्लाई कर सकते हो। पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक क्वालिफिकेशन लास्ट डेट के वगैरह ये सब बात करने के, उसके बाद हम एनएमडीसी को जाएंगे, एनएमडीसी में कितना क्वालिफिकेशन है वो सब बात कर लेंगे। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, मैकेनिकल का है, वो बहुत पोस्ट कम है फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैकेनिकल डिप्लोमा भी मांगा हुआ है और आईटीआई आपके पास है तो आईटीआई भी मांगा गया है। यहाँ पे देख सकते हो टेक्नीशियन जो कैटेगरी है वो आईटीआई कैटेगरी है और आईटीआई के साथ जो अगर एनएससी है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हर टाइम आपको एनएससी मांगता है। यहाँ पे आईटीआई में मशीनिस्ट का भी है, चार वैकेंसी है, टेक्नीशियन पेंटर का भी वैकेंसी चार है, यहाँ पे फिटर का वैकेंसी दोस्तों सात है। इसके बाद हम देख लेते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर, दोस्तों वहाँ पे भी चार वैकेंसी है, टेक्नीशियन वेल्डर भी है वहाँ पे एक वैकेंसी है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाखों का वैकेंसी निकला है रेलवे जैसे, ऐसा नहीं है। दोस्तों, जितना वैकेंसी निकला है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक बहुत बढ़िया कंपनी है और जो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया और आपकी जो परसेंटेज वाइज वो शॉर्टलिस्टेड करेगा, आपको अगर अनरिजर्व ओबीसी है 60% से अबव होना चाहिए आईटीआई और एनएससी, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 50% अबव होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी के बात कर लिया जाए तो यहाँ पे स्केल जो है पे स्केल 5 में शुरू होगा, आपको यहाँ पे लगभग आपकी सैलरी जो आ जाएगा 30 से 35 तक आपकी आईटीआई कैटेगरी में आ जाएगा। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है, ये मैं ग्रॉस सैलरी बोल रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है वो सैलरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो आईटीआई कैंडिडेट जो है उन लोगों का आपकी 45 से 50 तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो जो एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों, व्यू एडवर्टाइजमेंट, बैंक चालान और क्लिक हेयर टू अप्लाई फ्रेश कैंडिडेट, पहले लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑलरेडी लॉग इन है तो यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे लास्ट डेट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है आपकी 1/5/1 मई 2018। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी टाइम है, लगभग आपको एक महीना आपको मिल रहा है और यहाँ आज से ही एप्लीकेशन शुरू होने हो रहा है। तो मेरा ये जो वीडियो है पहला यूट्यूब में होगा, तो ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों,
फिर दोस्तों हम आते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड का वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट मांगा है दोस्तों, आपके इलेक्ट्रिकल अगर है डिप्लोमा तो यहाँ पे 30 वैकेंसी है, अगर सिविल है तो यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और दोस्तों अगर जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग है तो आपके जो HR है नॉन टेक्निकल है वो आपके 4 वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे भी वही डिप्लोमा कैंडिडेट मांगा है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी पे स्केल अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे IV में पे स्केल में ज्वाइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे जो बेसिक रहेगा 16,500 रहेगा आपके बेसिक, उसके बाद TA DA HRA कुल मिला के आपको दोस्तों बहुत सारे मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CVT रखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट जो होगा वो भी कंप्यूटर वाइज होगा। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो आपकी रिटन टेस्ट मुंबई में होगा, नागपुर में होगा, पुणे में होगा, रायपुर में होगा, दुर्ग में होगा, दुर्ग जो बिहार में है वो आपके भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों सैलरी के बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 50,000 करीब आपके सैलरी आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट डेट रखा गया है, देख सकते हो 19 अप्रैल को रखा गया है और ये आज से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन, जो आज से ही शुरू हो रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर आप आज ही अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। उसी के साथ साथ मैं बोलूँगा हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, आपके सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं भी अभी कॉम्पिटेटिव लाइन से टेक्निकल जॉब मुझे मिला है, तो दोस्तों मैं आपको कैसे तैयारी करना है वो प्रोसेस में पूरा बताते जाऊँगा दोस्तों। जरूर आप मेरा साथ जोड़ जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।